मैंने नहीं सोचा था बाबा राजम आते खाएगा अंडा, मैंने नहीं सोचा था बाबा राजम आते खाएगा अंडा, ऐसी बैटिंग करनी थी तो खेल ले गुल्ली डंडा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ वो पाकिस्तान का पिछला मैच देखने के बाद आप भी मेरी तरह बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीद है बाहर रख। यार मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान की बैटिंग तो ऐसा कब बादों का काम कर जाती है, लेकिन अब तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी वो अच्छा काम नहीं कर रही जो किसी दौर में क्या करती थी। वसीम अकरम, वकार, यूनस, एवन, शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ और आमिर भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलिंग करते रहे। इस मैच में तो बॉलिंग भी देखने को नहीं मिले। वो हसन अली वो ऐसे बस बू बू करता रहता है, उससे बॉलिंग नहीं होती। अटैक पे लगाना उसे किस कदर गलत था। राशिद क्या कहते हैं आप मैच के बारे में? यार बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान जी मैच आ रहा है और बहुत बुरी तरह आ रहा है। पर हसन अली की बात तो ना करें ना, उसके लिए एक शेर अर्ज किया है, हसन अली वो चीड़ा है, हसन अली वो चीड़ा है जिसको हीरो बनने का कीड़ा है। सर खान साहब ये मैं आपको बता दूं कि इनमें वो पेशेंट नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए जान लगाएं, थके हुए आ रहे थे आके बना के हसन अली बॉलिंग देते रहे। शाहीन अली ने कुछ तो बॉलिंग किया, कुछ अच्छा लगा शाहीन अली बॉलिंग करता हुआ, लेकिन उसने भी वो बॉलिंग नहीं की जिस जो हम उससे उम्मीद कर रहे थे कि ये बॉलिंग करेगा, आते ही पहले ओवर में दो तीन आउट कर देगा। लगा पहली बॉल जिस तरह की तो लगा कि शायद ये करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी लाइन भी थोड़ी डिस्टर्ब रही। और रही हसन अली ये तो बिल्कुल, और मुझे फहीम अशरफ की समझ नहीं आती कि उसे किस खाते में रखा, बैटिंग वो नहीं करता, बॉलिंग वो नहीं सही करता ना कर पा। चलो खान साहब मैं कहता हूं अगर धानी को डाल लेते ना वो हरे धनिया के मुंह वाला, वो कुछ ना कुछ बॉलिंग करता, क्योंकि वो नया है, वो एंथुसियास्ट है, पीएसएल का टॉपर भी था। अगर वो बॉलिंग करता ना वो यकीनी विकेट टू विकेट करता, और इंग्लैंड की बैटिंग इतनी ऐसी नहीं थी कि 9 विकेट से ही वो जीत जाते, कम से कम 5 होनी चाहिए थी इस टोटल पे मेरा जहां तक ख्याल है। बहुत मुश्किल मैच था ये जो पाकिस्तान ने इतना आसानी से इंग्लैंड को दे दिया। वाह क्या शेर, बड़ा आसान अली के लिए। हसन अली वो चिड़ा है, हसन अली वो चिड़ा जिसे एवं हीरो बनने का कीड़ा, वो बॉलिंग करेगा अच्छा तो अच्छा हीरो बनेगा। जी हाफिज, अब आप बताएं आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी पिछली हार के बारे में? सर बहुत अफसोस है, सद अफसोस है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जीतेंगे वन साइडेडली हम जीतेंगे, वो तो उल्टा ही पड़ गया। पाकिस्तानी टीम के लिए एक शेर अर्ज किया है, घर में पड़ा पड़ा सड़ गया अचार, घर में पड़ा पड़ा सड़ गया अचार, ओए खिलाड़ियों कुछ होश करो, क्या ऐसी भी होती है हार। वाह हाफिज वाह, क्या आपने भी बेहतरीन शेर पढ़ा। तो अब जो सेकंड ऑडियो होने वाला है इसके बारे में डिटेल्स दें हाफिज एंड राशिद। राशिद पहले आप, फिर हाफिज, और फिर आपस में झुकते भी करना, मुझे बड़ा मजा आता है। जी खान साहब, इससे पहले कि मैं आपको सेकंड मैच के शेड्यूल के बारे में बताऊं, खान साहब ये बात तो करें ना कि पहले मैच का किसकी पेशेंट गोई, किसका एक्सपर्ट ओपिनियन बेहतर था, मेरा या हाफिज का, आप ये बताना आपने जरूरी है। क्योंकि खान साहब जब मैच से पहले आपने पूछा था तो किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, किसको बॉलिंग करनी चाहिए, तो मैंने कहा था कि टॉस जो भी जीते वो पहले बॉलिंग करे। पाकिस्तान के बारे में मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, वो उससे दूसरी टीम दबाव में आ जाएगी, क्योंकि दोनों काफी अर्से बाद उस पिच पे खेल रहे थे। सो पिच का किसी को पता नहीं था, लेकिन ये पिच बैटिंग पिच थी और पे पाकिस्तान ने जो ये खेल खेला ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मैं फिर अब आपको पाकिस्तान का जो सेकंड ओडीआई है वो होने वाला है, पाकिस्तान का सेकंड ओडीआई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, लंदन में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। पाकिस्तान का जो सेकंड ओडीआई है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में होगा। सर मैं समझता हूँ कि मेरी बात ठीक थी, इनका तो तुक्का भिड़ गया, चलो जो भी है इन्हें क्रेडिट जाता है कि इन्होंने तुक्का सही लगाया। बाकी प्रोफेसर ही अच्छा एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है, मैं तो क्रिकेट का प्रोफेसर कहलाता हूँ तो ऐसे थोड़ी कहलाता हूँ, मैं कुछ हूँ तो कहलाता हूँ ना। तो खान साहब आज जो मैच है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा और पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सेम प्लेइंग 11 से जाना चाहिए जिसमें बाबर आजम कैप्टन है, शदाब खान
वाइस कैप्टन है अब्दुल्ला शफीक है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, हैदर अली है, हारिस रऊफ है, सुहेल हसन अली है, इमामुल हक है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद रिजवान है, विकेट कीपर सलमान अली आगा है, सरफराज अहमद है, साउद शकील है, शाहीन शाह अफरीदी है एंड उस्मान कादिर है। वाकई हफीज साहब आपको मान गए आप वाकई क्रिकेट के प्रोफेसर है। जिस तरह का आपने प्लेइंग 11 बताया, जो 11 रुकनी टीम गिनवाते गिनवाते आपने 16 रुकनी टीम गिनवा दी, इससे अंदाजा होता है आप कितने आला पाया के प्रोफेसर हैं। खैर साहब अगर आप कभी सब्जी मंडी जाए ना तो इस तरह के टिंडे ना आप नोट करना, वो जो ठाटी करके बाहर फेंके हुए होते हैं ना, वो इस तरह के टिंडे होते हैं हफीज जैसे। तू अपने आप ने देखे खराब पेठा कटे है ना, अंदर तेरे जो कीड़ा बैठा है। चुप करो, ये चोरस हिट होंगी है, मकड़ी का जाला होंगे, बगैर कुंडे दे ताला होंगे, लुक का पीपा होंगे, हार्ड बाल का अंडा होंगे। खान साहब आप देख रहे कैसे मुझे ये हफीज जुगतों पे जुगते किए जा रहे राशिद नाराज ना होना, पहले शुरुआत आपने किए थे लेकिन मजा की बात यह कि मैंने बड़ा मजा किया, मुझे बड़ा मजा आया आप दोनों की जुगतों से। वुड यू बिलीव इट, मैं बहुत हंस रहा था, हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जब एक दूसरे का तुम जुगते कह रहे थे। मैं दिल में कह रहा था तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई। तो हफीज जल्दी से हम प्रोग्राम एंड करने वाले हैं, उससे पहले ये बताएं कि मैच कितने बजे शुरू होगा और कौन से ग्राउंड में पहले टॉस जीत कर किसको क्या करना चाहिए। राशिद लतीफ और हफीज फाइनली बताओ। खान साहब जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच पे है, तो वो बड़ी अच्छी पिच है, उस पर जो है थोड़ा सा अगर हम स्टे करके खेलें, बाल को बल्ले पे लें, 4-5 बालें बल्ले पे ले लें, कोई कुछ नहीं जाता, बल्ले पे लें आराम से इजी होके फिर खेलें, अच्छा टारगेट दें इंग्लैंड की टीम को, इंशाल्लाह हम आज का ओडीआई हरा देंगे। हाँ तो पाकिस्तान को अगर टॉस जीतने का मौका मिल गया तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए और उनको दबाव में लेकर आना चाहिए, वरना ये ही हाल होगा जो पिछले मैच में हुआ। पाकिस्तान क्योंकि अर्ली ऑन न्यू पिच पे फ्रेश पिच पे मेरा हमेशा इंग्लैंड में फंसता है, और पाकिस्तान यहाँ पे अगर चेज की तरफ जाएगा और पहले बॉलिंग करे, अच्छे तरीके से बॉलिंग करे, उन्हें कम से कम टोटल पे आउट करे पाकिस्तान, फिर पिच पे स्टे करे, बॉल को बल्ले पे ले, पाकिस्तान फिर ये मैच जीत जाएगा मुझे यकीन है। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो फिर मशवरा यही है कि बॉलों को ज़्यादा से ज़्यादा लीव करे, बॉल के पीछे न जाए, बॉल के ऊपर चढ़ के खेलें। आप दोनों की राय अपने अपने जगह गुड। सो डियर व्यूअर्स, आपको अभी तक का ये प्रोग्राम कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच आने वाला है, हमारे तजिया जो भी हो लेकिन दुआ पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मैच जीतेगा आज का, फिर हम कहेंगे पाकिस्तान की जीत के बाद तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गया। सो डियर व्यूअर्स इन द एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।